मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आनंद कुमार कर अपने YouTube चैनल एक करण क्लासेस इंडिया नंबर वन दरभंगा से आपके बीच दोस्तों आज पुनः उपस्थित हूं और आज हम आपके साथ जो इंटरैक्ट करने जा रहा हूं वो बहुत ही बेहतरीन कुछ प्रश्नों का और वो प्रश्न संबंधित है रेलगाड़ी के पार्ट 3 सेशन 3 से। आपको यहाँ यह जानकारी फिर दे दूं कि आप मेरा कोई भी सेशन अगर देखते हो किसी भी चैप्टर का, तो उसका पार्ट 1 जो मैं थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ उसे देखे बगैर आप अगला पार्ट न समझेंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मेरा किसी भी चैप्टर का कोई पार्ट वीडियो देखना चाहते हो तो उसका पहला पार्ट, पहला थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट जो मैं इंट्रोडक्शन क्लास लेता हूँ उसको जरूर आप देखें। उसके बाद सारे एप्लीकेशंस आपको आगामी सेशन या पार्ट 2 पार्ट 3 में समझ में आएगा। तो आज दोस्तों मैं ट्रेन रेलगाड़ी पर चर्चा करने जा रहा हूँ। इस पर हमने 2 वीडियो जारी कर दिया है जिसमें पार्ट 1 में हमने थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, पार्ट 2 में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस और ये पार्ट 3 में पुनः डिफरेंट मोड ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो अविलंब सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबा लें ताकि किसी भी प्रकार का वीडियो मैं कोई भी जारी करूं तो निश्चित ही पहला नोटिफिकेशन आप तक जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, प्रश्न जारी करने से पहले कि आप मेरे कोचिंग संबंधी किसी भी प्रकार का इंक्वायरी करना चाहते हो तो आप 99 34 87 97 98 इस नंबर पर हमारे कोचिंग के डायरेक्टर महोदय मिस्टर राजू जी से आप संबंध स्थापित करके चाहे व्हाट्सएप कॉल से, व्हाट्सएप मैसेज से या जनरल वॉइस कॉल से 99 34 87 97 98 इस नंबर पर दोस्तों आप संपर्क करेंगे, आपको सारी जानकारी कोचिंग से संबंधित प्राप्त हो जाएगी। तो बिना देर किए हुए मेरे विकास जी असिस्टेंट के रूप में क्वेश्चन लेकर मौजूद हैं और वो पहला प्रश्न आपके बोर्ड पर या आपके मोबाइल स्क्रीन पर दे रहे हैं, इसे आप गौर करके देखें। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा होगा या आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ गया होगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन और प्रश्न में कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट से हम लोग वाकिफ हैं। प्रश्न है कि 2 स्टेशन एक्स और वाई, तो 2 स्टेशन एक्स और वाई 900 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी दोस्तों 900 किलोमीटर है। फिर प्रश्न है कि x से y की ओर स्थित है 70 किलोमीटर की चाल से एक रेलगाड़ी x से y की ओर चलती है, तो x से y की ओर चलने वाली रेलगाड़ी का चाल 70 किलोमीटर पर घंटा, और फिर कहता है और एक अन्य रेलगाड़ी y से x के तरफ दिया हुआ है कि ये 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। तो ये आपका दोस्तों 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से y से x के तरफ आ रहा है और x से y की तरफ जाने वाली ट्रेन की चाल 70 किलोमीटर पर घंटा है। प्रश्न है x से कितनी दूरी पर वे एक दूसरे को पार करेगी या मिलेगी, अर्थात ये तय है कि अगर दोनों रेलगाड़ियां समानांतर रेल लाइन पटरी पर चल रही हो तो x से एक जा रही है y के तरफ, जिस समय x से y के तरफ चली गाड़ी ठीक उसी समय अगर y से x के तरफ आया तो यह क्वेश्चन प्लेन हो गए। और यह प्लेन क्वेश्चन में जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के तरफ आ रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है और अपोजिट डायरेक्शन में चाल आपका जुटेगा तो आप 70 और 80 दोनों चाल को जोड़ के 150 किलोमीटर चाल हो गया, और ये भी जितना दूर चले और ये भी जितना दूर चले, सपोज मानिए यहीं पर आकर दोनों मिल गई,
तो इसका मतलब x से मान लीजिए यह बिंदु z है, तो x से z तक की दूरी x से चलने वाली रेलगाड़ी तय की, y से z तक की दूरी y से चलने वाली रेलगाड़ी तय की, तो दोनों रेलगाड़ियों द्वारा तय किया गया दूरी एक्स जेड प्लस जेड वाई, जिसका मतलब तो दोस्तों 900 किलोमीटर ही होगा। तो आप चाल को जोड़ लिए तो चाल बराबर दूरी अब बट्टे समय, और 150 से अगर 900 को काट दूं तो आपका टी निकल कर आ गया 150 × 6 घंटा, अर्थात 6 घंटा तक x से y के तरफ चलने वाली रेलगाड़ी भी चलेगी, तो y से x के तरफ भी चलने वाली रेलगाड़ी 6 घंटा ही चलेगी, क्योंकि दोनों का खुलने का जो समय था उसी समय लिखा हुआ है, ठीक उसी समय जब दोनों चली है, तो 6 घंटा x वाली भी चली होगी तो 6 घंटा y वाली भी। अगर पूछता कि कितने देर बाद मिलेगी तो 6 घंटा आपका ऑप्शन हो जाता, लेकिन प्रश्न है कि x से कितनी दूरी पर हुए एक दूसरे को पार करेगी। तो जब x से दूरी पूछा है तो x से चलने वाली रेलगाड़ी का टाइम मित्रों है 70 किलोमीटर पर घंटा, और चाल है 70 किलोमीटर पर घंटा, और आपसे दूरी पता करना है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, और 70 का 6 से गुना 420 किलोमीटर आंसर। अगर आपसे यही प्रश्न पूछता कि y से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो y के लिए हम तब 80 से 6 का गुना 80 × 6 = 480 किलोमीटर बोलता, लेकिन अभी दोस्तों x से कितनी दूरी पर जब पूछा गया है तो x से दूरी हम x के चाल को लेकर 6 घंटा में गुना किया, और आप देख सकते हैं इसमें 420 किलोमीटर भी ऑप्शन है और 480 किलोमीटर भी ऑप्शन है, इसलिए बिल्कुल कॉन्शस होकर प्रश्न पढ़ेंगे और तुरंत आंसर सी बिल्कुल मेरा सही होगा और करेक्ट ऑप्शन लगा देंगे। और इस तरह दोस्तों यह प्रश्न आपका समाप्त हुआ, विकास जी तैयार है अगले प्रश्न ले। दोस्तों अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर यह रहा, दो ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे चलती है, उनकी चालें क्रमशः 60 किलोमीटर पर घंटा तथा 75 किलोमीटर पर घंटा है। तो 6 बजे जो चली है वह 60 किलोमीटर पर घंटा से, 6:30 में जो चली है 75 किलोमीटर पर घंटा से, दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनों की मिलन होगी, अर्थात 6:30 बजे वाली ट्रेन कितनी दूरी पर ये 6 बजे वाली ट्रेन को पकड़ लेगी। प्रश्न का नेचर यही है, क्योंकि 6 बजे वाली चल रही है 60 किलोमीटर पर घंटा से, 6:30 बजे वाली चल रही है 75 किलोमीटर पर घंटा से, तो निश्चित ही जिसकी चाल ज्यादा है वह कुछ न कुछ दूरी आगे चलने के बाद पहली वाली ट्रेन को निश्चित ही दूसरी वाली ट्रेन पकड़ लेगी। अब सवाल है कि इस प्रश्न को अगर टाइम एंड डिस्टेंस आप देखे होंगे दोस्तों, तो उसमें एक हम चोर सिपाही का प्रश्न पढ़ाया था, तो उसमें ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक कार की चोरी 6 बजे हुई और चोर 60 किलोमीटर पर घंटा से लेकर उसे भाग गया, और पुलिस उसका पीछा 6:30 बजे 75 किलोमीटर पर घंटा से करना शुरू किया, तो कितने देर में या कितनी दूरी पर या कितने बजे, मैं समझा चुका हूं कि पुलिस या गाड़ी का मालिक उस चोर को पकड़ लेगा। तो ऐसा प्रश्न मैं आपको सिखाया था कि गैप बटे रेस होता है टाइम निकालने का, यूनिक फॉर्मूला समझा चुका हूं, टाइम बराबर गैप बटे रेस। और यहां पर देख लें कि पहली ट्रेन खुली है 6 बजे, दूसरी खुली है 6:30 बजे, तो जब 6:30 बजे
दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पीछा करना शुरू की तो तब तक पहली ट्रेन को 30 मिनट चलने का मौका मिला। तो 30 मिनट में मतलब आधा घंटा में तो हम 60 किलोमीटर पर घंटा से पूछो कि एक घंटा में 60 किलोमीटर तो आधा घंटा में तुरंत कहेंगे 30 किलोमीटर का गैप बन गया होगा। ऐसा भी समझ सकते हैं 60 किलोमीटर गुने आधा घंटा तो आपका यही दूरी निकल गया 30 किलोमीटर, अर्थात गैप आ गया 30 किलोमीटर का। और दोनों ट्रेनों में रेस अगर आप देखें तो 6:30 बजे वाली जो ट्रेन है वह 6 बजे वाली ट्रेन को 15 किलोमीटर पर घंटा से रेस दे रही होगी। 60 और 75 का अंतर 15 है जो रेस है। और इस तरह कहेंगे 2 घंटा बाद 6:30 बजे वाली ट्रेन 6 बजे वाली ट्रेन को पकड़ लेगी। और यहाँ पूछता है कि दोनों ट्रेनों का मिलन कितनी दूरी पर होगा, तो सीधा बात है 2 घंटा तक अगर 6:30 बजे वाली ट्रेन 75 किलोमीटर पर घंटा से चलता रहे तो हम दोस्तों कह सकता हूँ 75 × 150 किलोमीटर के डिस्टेंस में 6:30 बजे वाली ट्रेन 6 बजे वाली ट्रेन को पकड़ लेगी अथवा मिलन हो जाएगा। और इस तरह दोस्तों बहुत मजे में इस प्रश्न का भी आंसर तुरंत क्विक एंड फास्ट प्रश्न पढ़ देंगे तो उत्तर कर देंगे। समाप्त हुआ अगला प्रश्न दोस्तों आपके साथ, मैं बोर्ड पर पुनः शेयर कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन के साथ अगला आपके साथ हम पुनः एक्टिविटी करने जा रहा हूं, उसे देखेंगे समझेंगे। प्रश्न है कि रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति बिजली के खंभों को गिन रहा है। यदि 2 खंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है, मतलब 2 खंभा अगर आप देख लें तो इस 2 खंभा के बीच की जो दूरी है ये दोस्तों 60 मीटर है, तथा गाड़ी की चाल 42 किलोमीटर पर घंटा है। तो गाड़ी की चाल दे रखा है 42 किलोमीटर पर घंटा। तो प्रश्न है तो 5 घंटे में वह कितना खंभा गिनेगा। तो आपका टाइम जो समय दिया हुआ है वह 5 घंटा लिख दिया है। तो हम सबसे पहला काम क्विक एंड फास्ट करेंगे कि दूरी बराबर हम जानते हैं दोस्तों कि चाल गुने समय। तो 5 घंटा में या 42 किलोमीटर पर घंटा के दर से 210 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया होगा। 42 × 5 = 210 किलोमीटर। और प्रश्न है कि यदि 2 खंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है तो वह कितने खंभे को गिनेगा। तो यहाँ हम 210 किलोमीटर बराबर 210 गुने 1000 मीटर इसे दोस्तों आप बोल सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट समझिए, अगर 60 मीटर के दूरी पर खंभा हो तो अगर 120 मीटर की दूरी पर हम खंभा गाड़ू इस तरह तो कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोस्तों 60 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 मीटर, तो कहूँगा 120 मीटर की दूरी पर आप देख सकते हैं कि 120 मीटर में अगर 60 से भाग लगा दूँ तो इसका मतलब होगा 2, लेकिन खंभा गिन के देख सकते हैं आप 1, 2, 3, अर्थात जब भी खंभों की संख्या बताना हो तो संपूर्ण डिस्टेंस बटे 2 खंभों के बीच की दूरी देकर और भाग लगाकर इसमें 1 हमेशा बढ़ा लें, तब ना 60 × 120 2+1=3 खंभा आप बोलेंगे। तो ऐसा प्रश्न जब भी आपको पूछे तो संपूर्ण डिस्टेंस में 2 खंभों के बीच की दूरी से भाग लगाएं और आने वाला जो भागफल होगा वह सीधा उत्तर न होकर 1 उसमें वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि जिस पॉइंट से हम चलता हूं इसके लिए अगला पॉइंट न मेरा 60 मीटर बनता है लेकिन हमारे खंभे देख सकते हैं यहाँ पर 2 खंभा हो जाता है।
अर्थात एक खंभा हमेशा ऐसे प्रश्न में बढ़ जाएगा, और अगर आपका टोटल डिस्टेंस 210 × 1000 मीटर है तो इसको हम दो खंभों के बीच की दूरी 60 से भाग लगाकर अगर एक जोड़ दूं तो कहूंगा 0 से 0 कटकर कि 3 × 6 3 × 7 = 21, 2 × 500 = 1500 का 7 × 35 = 3500। लेकिन दोस्तों एक अगर इसमें मिस्टेक कर गया तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर जाएंगे, एक बड़ी गलती हो जाएगी, और इस तरह कुल खंभों की संख्या दोस्तों 3501 आपको बोलना चाहिए। और कंफ्यूजन देने के लिए ऑप्शन ए देख सकते हैं 3500 है जबकि बी में 3501 है, और इस तरह दोस्तों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मैं पुनः अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। मुझे काफी विश्वास है दोस्तों कि आज के प्रश्न को आप बहुत ही इसी निराले अंदाज में समझ रहे होंगे, तो बिना देर किए हुए मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। बहुत ही बेहतर प्रश्न दोस्तों आपके साथ अगला बोर्ड पर हाजिर है, और प्रश्न है कि दो रेलगाड़ियां एक्स तथा वाई स्टेशन ए तथा बी से, दो रेलगाड़ियां एक्स तथा वाई स्टेशन ए तथा बी से, तो स्टेशन ए तथा बी से रेलगाड़ी का नाम है एक्स, रेलगाड़ी का नाम वाई, ए तथा बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। फिर आगे है एक दूसरे से मिलने के बाद, अब रास्ता में सपोज कहीं मिल गई होगी, और एक दूसरे से मिलने के बाद ये 4 घंटा 48 मिनट अर्थात एक्स रेलगाड़ी जो यहां तक पहुंची होगी, तो यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा एक्स को कहां से, तो रास्ते में कहीं मिलने के बाद, ध्यान रखें बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है दोस्तों, रास्ता में जब कहीं मिल गई एक्स और वाई, तब यहां से बी तक पहुंचने में एक्स को लग रहा 4 घंटा 48 मिनट, और यहां से वाई ट्रेन को स्टेशन ए तक पहुंचने में टाइम लग रहे हैं 3 घंटा 20 मिनट। तो प्रश्न है कि यदि एक्स की चाल 45 किलोमीटर/घंटा हो तो आपका वाई का चाल पूछ रहा है क्या है, तो वाई का चाल सपोज वाई ही समझ लें कि वाई का चाल बताना है। इधर यहां से जो यहां तक बी स्टेशन तक पहुंचा तो ये लगा है 4 घंटा 48 मिनट, यहां से जो ये ट्रेन इस बिंदु से इधर आई है, वाई ट्रेन ए स्टेशन पर जो आई है, तो इसको लगा है 3 घंटा 20 मिनट। ऐसा प्रश्न कभी भी जब दो ट्रेनें या दो बसें या दो व्यक्ति, कोई चीज कोई वस्तु जब दो आमने सामने या अपोजिट डायरेक्शन में दो बिंदु से चलना शुरू करें और रास्ते में कहीं मिलने के बाद अपने अपने गंतव्य तक जाने में अगर समय हमें पता लग जाए, तो ऐसे प्रश्न को दोस्तों एक लंबी चौड़ी अलजेब्रिक प्रोसेस से बनाया जाता है, लेकिन कंपटीशन के एग्जाम में टाइम का महत्व देखते हुए इसके लिए एक यूनिक फॉर्मूला S1/S2 = आप √ ध्यान रखेंगे T2/T1 का प्रयोग करेंगे। S1 माने पहली गाड़ी का चाल, S2 माने दूसरी गाड़ी का चाल, और T2/T1 का मतलब है कि दूसरी गाड़ी जो रास्ते में मिलने के बाद पहले स्टेशन तक पहुंची है, यह टाइम आपका T2 है, और ये जो आपका टाइम 4 घंटा 48 मिनट, वो पहली वाली गाड़ी एक्स जो रास्ते में कहीं मिलने के बाद बी स्टेशन तक आई है, तो इसका टाइम है T1। अब इसे अगर आप कंफ्यूजनल समझ जाएंगे तो आपका प्रश्न बेकार हो जाएगा, और 45 किलोमीटर/घंटा दोस्तों आपका S1 है जबकि S2 आपका
जो मैं वाई ट्रेन के लिए वही किलोमीटर पर घंटा चार्ज मान लिया हूं। अब इस प्रश्न में कुछ भी नहीं करना है, आप यहां समझ लें कि S1 का मतलब दोस्तों है 45 किलोमीटर पर घंटा, S2 का मतलब है Y और आपका √T2 का मतलब 4 घंटा 48 मिनट। तो 4 घंटा 48 मिनट को अगर मैं घंटे में चेंज करूं तो 4 घंटा प्लस 48/60 ये संपूर्ण आवर हो जाएंगे। 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 5 चौका 20, 4 24/5 घंटा ये हुआ आपका। और अगर T1 देखूं तो 3 घंटा प्लस 20 मिनट का माने 20/60, इसको अगर घंटा में टर्न अप कर लूं तो 20 + 60, 3 + 9 1 10/3 घंटा। अर्थात T2 का मतलब दोस्तों आप रखेंगे, T2 का ही तो मतलब है 3 घंटा 20 मिनट, तो इसका मतलब है 10/3, वो आप रखेंगे √10/3। और फिर T1 का मतलब हमें पता है 24/5, तो जब हम यहाँ T1 से भाग लगाएंगे 10/3 में, तो 24/5 से भाग लगाने को अगर गुना में बदल दूं तो यह 24/5 आपका चेंज होकर 5/24 हो जाएगा। और अब अगर इस प्रश्न का हल देखूं तो बहुत मजे में मैं इसका हल कर सकता हूं दोस्तों। इस टाइम को मैं हटा देता हूं, कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा बोर्ड खाली कर लिया, अब कुछ नहीं है। अगर मैं यहां पर काम करूं तो आप देखेंगे ये 50, थोड़ा सा काट भी सकते हैं आप, तो इसे कहेंगे 2 × 5 = 10, इसे कहेंगे 2 × 12 = 24। तो आप इसे ही अगर लिखें 45/y तो बराबर 5 × 5 का माने वर्गमूल निकालेंगे 5, 3 × 12 = 36 का वर्गमूल 6, 5 से इसे 5 × 45 y का क्रॉस गुना 1 से बचा y और 9 का 6 से गुना 9 × 6 54 किलोमीटर दोस्तों प्रति घंटा सेकेंड गाड़ी y का स्पीड ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही आ गया। और इस तरह इस टाइप के प्रश्न के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ माय टुडेज वीडियो। मैं और भी सेशन सब जारी कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो में जो भी प्रश्न रख रहा हूँ उसे आप अगर बारीकी से समझ जाएं, जान लें, तो आगामी परीक्षा को आपके लिए गर्दा गर्दा हो जाएगा। इसलिए मैं ज़्यादा आपके साथ एक्टिविटी नहीं कर रहा, मैं कुछ ही प्रश्नों के साथ 2-4 प्रश्नों को ऐसे आपको समझा देता हूँ कि ट्रेन का जहाँ तक प्रश्न है उसे आप समझें, तूफानी मेल अंदाज में प्रश्न पढ़ देंगे, तपाक से उत्तर कर देंगे। जब भी 2 ट्रेनें 2 बसें 2 गाड़ियां 2 व्यक्ति 2 बिंदु से एक दूसरे की तरफ आ रही हो और रास्ते में कहीं मिलने के बाद दोनों अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने में जो भी टाइम ले रहा हो उसे आप क्रमशः पहली रेलगाड़ी का चाल S1, दूसरी रेलगाड़ी का चाल S2, पहली रेलगाड़ी जो कहीं मिलने के बाद अगले स्टेशन तक पहुंचा वो टाइम T1, दूसरी रेलगाड़ी जो कहीं मिलने के बाद पहले स्टेशन पर पहुंचा उसका नाम T2 रख लिया। और इस तरह इस यूनिक फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए कि S1/S2 बराबर यहाँ T1/T2 नहीं दोस्तों, बल्कि √T2/T1। यह धोखा खाने का चीज नहीं है। इस कॉन्सेप्ट से आप सारे मान अगर बैठा लें वैल्यू को तो आप जो भी इन 4 पदों में पूछेगा S1, S2, T2, T1 तो आप बहुत मजे में इसे बना सकता हूँ। और इस तरह दोस्तों आज का यह वीडियो क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है पुनः कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आगामी जो भी मैं वीडियो प्रस्तुत करूं उसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप पर जा सके।
दोस्तों आज के इस क्लास के लिए आपको बहुत बहुत अपने हार्दिक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।